हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। आज मैं पहुंच चुका हूं सैनिक कैंटीन बिलासपुर। जी हां दर्शकों, सैनिक कैंटीन बिलासपुर की मैं बात कर रहा हूं। कई लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सैनिक कैंटीन सिर्फ सैनिकों के लिए या फिर रिटायर्ड सैनिकों के लिए है होगी, पर लेकिन ऐसा नहीं है। यह सैनिक कैंटीन बिलासपुर के अंदर हर एक आम और ख़ास आदमी से जुड़ी हुई है। हर कोई व्यक्ति यहां से सामान परचेज कर सकता है अपने सहूलियत के अनुसार, अपने ब्रांड के अनुसार, अपनी जो आप जो घर पर जो इस्तेमाल करते हैं, हर एक ब्रांड यहां पर आपको मिलेगा, हर एक सामान मिलेगा, और वो भी डिस्काउंट पर और पक्के बिल के साथ आपको ये सामान यहाँ पर सैनिक कैंटीन बिलासपुर के अंदर आपको उपलब्ध हो पाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो में आगे ले चलते हैं, और वीडियो में अगर लेकर चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल प्रीदीने है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर सैनिक कैंटीन बिलासपुर के ऑनर से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या यहाँ पर जो है सर्विस दे रहे हैं, इसके ऑनर हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटी आम आदमी को दे पा रहे हैं, तो हम सभी बातों से यहाँ पर पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सैनिक कैंटीन बिलासपुर के जो है ऑनर से बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, हमारे सामने मौजूद है इस समय इस कैंटीन के ओनर मिस्टर निर्मल सिंह जी, जो फौजी कैंटीन को यहाँ पर चला रहे हैं। निर्मल सिंह जी फौजी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो आपको इस कैंटीन के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, सैनिक कैंटीन जो है आम आदमी को क्या क्या कुछ फैसिलिटी दे रही है उनको? सैनिक कैंटीन ये आम आदमी के लिए खुली है, और सबको यहाँ पे हम अच्छे से अच्छा सामान प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो सामान है सारा पैकिंग वाला है, साफ़ सुथरा है। इसमें रात को चूहे कबड्डी नहीं खेलते हम, इसको बिल्कुल सही साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सामान है हमारा ओरिजिनल सामान है, किसी तरह की इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है। सर, इसमें अगर डिस्काउंट की बात करें या बिल की बात करें, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, जो HOL के प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर सभी के ऊपर 10% तो हमारा डिस्काउंट है ही है। उसके बावजूद किसी में 50% डिस्काउंट भी है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में है उसमें 10% से लेकर 50% का डिस्काउंट हमारा रहता है। और अगर यदि बिल की बात करें तो बिल कैसा मिलता है आपसे? बिल हमारे पास, आप GST का बिल लो, नॉर्मल बिल लो, जैसा मर्जी बिल लो, हम वैसा बिल काट के देने के लिए तैयार हैं। तो आपके सर यहाँ पर सैनिक कैंटीन में सर किस प्रकार के प्रोडक्ट, सुनने को आया था कि यहाँ पर आप मल्टी ब्रांड के अंदर काम कर रहे हैं, कि क्या कुछ यहाँ पर आप किस प्रकार के प्रोडक्ट आप रख रहे हैं MFCG के अलावा? हमारे पास यहाँ सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, और क्रोकरी आइटम भी है, और खाने पीने की खाद्य वस्तुएँ सारी अवेलेबल हैं। तो सर, ये सैनिक कैंटीन जो बिलासपुर में अभी आपकी जो रनिंग में चल रही है, तो सर ये आम आदमी के लिए है, सिर्फ सैनिकों के लिए है सर? नहीं, ये आम आदमी के लिए, हमने सभी के लिए खोल रखी है, कोई भी आदमी है। लेकिन जो आदमी कैंटीन का सामान लेने का इच्छुक होता है और कैंटीन से सामान नहीं परचेज कर सकता, तो वो सामान हम यहाँ पर उसका अवेलेबल करा सकते हैं। सर, अगर यहाँ का आप एड्रेस बताना चाहेंगे तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये जगाधरी रोड बिलासपुर में बसाती हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। तो जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे इस कैंटीन के बारे में? मैं तो ये मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि हर एक आदमी एक बार हमारे साथ जुड़े, और एक बार हमारे से परचेजिंग करके देखे, और हमारे सामान की काबिलियत को चेक करे। तो दर्शकों, ये थी सैनिक कैंटीन बिलासपुर के ओनर से हमने आपसे बातचीत कराई। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बार जरूर आएँ और सेवा का मौका जरूर दें, और इनके प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। और आपसे निवेदन मैं यह भी करना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल प्रीदीने है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और हर एक उस व्यक्ति के पास इस वीडियो को शेयर करना है जो सस्ता सामान लेना चाहता है, करियाना के सस्ते सामान की जो है एकमात्र यहाँ पर जो है एक डिपो है, यहाँ पर ये सैनिक कैंटीन जो है उपलब्ध है आपके लिए बिलासपुर में।